नमो वः। मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो आज के दिन भूषण कवि के एक अद्भुत पद्य का आनंद लें जो उनकी रचना शिवा बावनी से लिया गया है। यह कवित्त छंद में है। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-15 के क्रम से 31 वर्ण होते हैं और यहाँ मालोपमा अथवा पूर्णोपमा अलंकार है। भूषण कवि वर्णन कर रहे हैं कैसे शिवाजी महाराज चतुरंगिणी से म्लेच्छों की चतुरंगिणी सेना पर भारी पड़ते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो वे कहते हैं, सक्र जिमी सैल पर अर्क तम फैल पर बिघ्नन की रैल पर लंबोदर लेखिए राम दस कंध पर भीम जरा संध पर भूषण ज्यों सिंधु पर कुंभज बिसेखिए हर ज्यों अनंग पर गरुड़ भुजंग पर कौरव के अंग पर पारथ ज्यों पेखिए बाज ज्यों बिहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए। तो इस पद्य का अर्थ है, जैसे इंद्र पर्वत पर भारी है, जैसे सूर्य अंधकार की राशि पर भारी है, और मानिए जैसे गणपति लंबोदर विघ्नों की रैल पर, विघ्नों की भरमार पर भारी है, ऐसे शिवाजी हैं। जैसे राम, श्री राम 10 सिरों वाले रावण पर भारी हैं, जैसे भीम, भीमसेन जरासंध पर भारी हैं, और जैसे, ऐसा जानिए, जैसे कुंभज अगस्त्य सिंधु पर भारी हैं। भूषण कवि कहते हैं ऐसे शिवाजी दिख रहे हैं। जैसे शिव कामदेव पर भारी हैं, जैसे गरुड़ सर्प पर भारी हैं, और जैसे पार्थ अर्जुन कौरव की सेना पर भारी हैं, जैसे बाज एक छोटी सी चिड़िया पर भारी है, जैसे सिंह हाथी पर भारी है, उस प्रकार म्लेच्छों की चतुरंगिणी सेना पर शिवाजी महाराज भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। नमो वः।